मेरी आवाज क्लियर है? ऑनलाइन लोगों को मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। कल का जो डिसीजन आया है उसमें ना बार बार एक बात हो रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने प्रिवेल किया, ठीक है, आईन जो है ना उसने प्रिवेल किया। सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई इज कॉन्स्टिट्यूशन सो मच इम्पोर्टेंट, क्यों इतना इम्पोर्टेंट, क्यों जो है लोगों की तवज्जो जो है वो बार बार कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाती है। तो एक चीज जहन में रखनी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो किसी भी मुल्क को चलाने के लिए एक, यू समझ लें, उसका मैनुअल होता है। तो ना आप कोई चीज खरीदते हैं, कोई फ्रिज खरीदते हैं, कोई वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, उसका मैनुअल साथ में आता है क्या, आपने इसको किस तरह से चलाना है, स्विच कहाँ पे है, नॉब्स कहाँ पे हैं, इसकी क्या कहते हैं वो कहाँ पे हैं, क्या कहते हैं बटन्स वगैरह कहाँ पे हैं और कैसे वर्क करता है ये, ठीक है। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी मुल्क को चलाने के लिए एक मैनुअल होता है। वैसे टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कैसे किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया जाता है ऐसे सिंपल वर्ड्स में कि इट इज अ बाइंडिंग एग्रीमेंट, इट इज अ बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन पीपल एंड देयर स्टेट, इट इज अ बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन पीपल एंड देयर स्टेट। यहां पे वर्ड यूज किस चीज का हुआ है, स्टेट का, गवर्नमेंट का यूज नहीं हुआ। गवर्नमेंट का वर्ड यहां पे यूज नहीं हुआ। तो आईन को मानने वाले के लिए स्टेट के साथ लॉयल होना जरूरी है, बट एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट के साथ लॉयल होना जरूरी नहीं है। ये चीज समझने वाली है यहां। हमारे सोसाइटी के अंदर जो है वो पॉलिटिकल एनार्की की जो एक गालम गलोच का कल्चर डेवलप हुआ है, उसकी एक बड़ी वजह यही है कि हम लोग ये नहीं समझते कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टेट के साथ बाइंड करता है, वो गवर्नमेंट के साथ बाइंड नहीं करता, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट हेल्प्स इन रनिंग अ कंट्री। अब कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज पे बेस कर रहा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बेस कर रहा होता है डिफरेंट रूल्स पे, डिफरेंट प्रिंसिपल्स पे, ठीक है। और ये वो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके तहत बेस कर रहा होता है रूल्स और प्रिंसिपल्स पे, और ये वो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके तहत एक सोसाइटी के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर लोग जो हैं वो अपनी सॉवरेनिटी सरेंडर करते हैं स्टेट को, अपनी मर्जी जो है वो स्टेट को दे देते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट जो है वो इशारे लगाती है सड़क पे, ट्रैफिक सिग्नल्स, उनको फॉलो करना होता है, ना फॉलो करें जरूरी तो नहीं, ऑब्लिगेशन तो नहीं है, रिलीजियस ऑब्लिगेशन तो नहीं है, बाद में है भी सही, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। तो क्या है कि वहां पे आपने क्यों अपनी सॉवरेनिटी सरेंडर कर चुके हैं आप, किसकी बेस पे, कॉन्स्टिट्यूशन की बेस पे। और जब सॉवरेनिटी सरेंडर हो जाती है, और ये सिर्फ आपने फ्री में नहीं की, आपने अगर अपनी मर्जी अपनी स्टेट को दी है ना कि हम आपकी बात मानेंगे, आप एग्जिस्ट नहीं भी करेंगे तो हम मानेंगे, टेक्निकली तो हम यही कहते हैं ना, मानते नहीं है वो और बात है, तो उसके जवाब में स्टेट हमें प्रोवाइड करती है क्या, रोटी कपड़ा मकान, प्रोटेक्शन, जान का तहफ्फुज़, माल का तहफ्फुज़, जॉब का तहफ्फुज़, ये सारे तहफ्फुज़ जो हैं वो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है जब हम अपनी सॉवरेनिटी सरेंडर करते हैं गवर्नमेंट को, स्टेट को सॉरी, और स्टेट हमें वो प्रोवाइड करती है।
तो ये चीज आपने जो है वो जहन में रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें बाउंड करता है कि हम स्टेट के साथ लॉयल हो, गवर्नमेंट के साथ लॉयल ना हो, किसी पॉलिटिकल एंटिटी के साथ लॉयल ना हो। ठीक है, वी हैव ईच एंड एवरी राइट टू क्रिटिसाइज अ गवर्नमेंट बट वी डू नॉट हैव अ राइट टू गो अगेंस्ट द स्टेट। अगर हम स्टेट के खिलाफ जाएंगे, अगर हम स्टेट के खिलाफ जाएंगे तो आर्टिकल 6 लगेगा। वो क्या है? आईन का आर्टिकल 6, एस्पियोनाज, गद्दारी। अब इसमें स्टेट है मेंशन, मैं बार बार कह रहा हूं स्टेट। हमारी पॉलिटिकल अटैचमेंट्स जो हैं वो मैटर नहीं करती व्हेन इट कम्स टू स्टेट, ये जहन में रखना है हमें। चाहे कोई अच्छा लग रहा हो, कल वो मैं एक मीम बना के मैंने लगाया भी था कि वो है ना एक्सक्यूजेस उसका, एपी ढिल्लों का, किसने लिखा वो मीम बना था कि ना जदो फजलू प्रेसिडेंट बनेगा तो पता लगूगा। ठीक है, तो इवन इफ फजलुर रहमान बिकम्स प्रेसिडेंट, तब भी स्टेट से हम गद्दारी नहीं कर सकते। वी हैव टू एक्सेप्ट कि अगर वो आता है प्रॉपर वोटिंग के थ्रू, वी हैव टू एक्सेप्ट, क्रिटिसाइज कर सकते हैं उसे। ये हमें जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं 8 से लेके 26 तक, आईन के आर्टिकल 8 से 26 तक जो हैं बेसिक ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल्स हैं, उसमें हमें इजाजत है कि हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। हमें इमरान खान नहीं पसंद तो हम इमरान खान को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। हमें शहबाज शरीफ नहीं पसंद, वो गवर्नमेंट पे है, हम उसे क्रिटिसाइज करना चाहें हम उसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हक हमें हासिल है, लेकिन हम स्टेट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। दिस इज वन ऑफ द reasons के जब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करवाई जाती है तो पहला गुर जो बताया जाता है वो ये होता है कि आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पे क्रिटिसिज्म नहीं करना पेपर में, क्योंकि वो स्टेट है, स्टेट पे क्रिटिसिज्म नहीं करना। ठीक है, ये चीज आपने जहन में रखनी है। उसके अलावा आप किसी भी चीज पे क्रिटिसिज्म कर सकते हो। हाँ, स्टेट होती है एक रेकग्नाइज्ड एरिया, उसके ना 3 प्री रेक्विजिट्स हैं। वहां पे एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट हो, वहां स्पेसिफिक उसका लैंड और स्पेसिफिक पॉपुलेशन हो, ये 3 चीजें अगर हो तो वो स्टेट होती है। ठीक है, स्टेट की ये 3 बेसिक्स होती हैं। गवर्नमेंट हो उसकी कोई, रेकग्नाइज्ड लोग रहते हो वहां, और रेकग्नाइज्ड एरिया ऑफ लैंड हो तो वो स्टेट कहलाती है। इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन है इसकी। गवर्नमेंट वो पॉलिटिकल एंटिटी जो उस स्टेट को रन करती है, उसका लेजिस्लेचर कह लें आप, उस स्टेट का लेजिस्लेचर जो है वो गवर्नमेंट है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो लेजिस्लेचर आपकी उर्दू में कहते हैं मुकन्नना और इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट, वो और उसका हेड जो है ये गवर्नमेंट होती है। वैसे टेक्निकली जो हमारा बॉस है वो भी प्राइम मिनिस्टर ही है, जो एग्जेक्टिव्स का बॉस होता है वो भी प्राइम मिनिस्टर ही होता है, सीएम और फिर उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और जो आपका है लेजिस्लेचर उसका हेड भी प्राइम मिनिस्टर होता है सेंटर में, और प्रोविंस के अंदर सीएम होता है, और आपकी जो जुडिशरी है उसका हेड जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है। ठीक है, समझ आ गई। तो ये चीज जो है आपने जहन में रखनी है। एक बेसिक डेफिनेशंस आपको मैं सिखा दूं कि किसका क्या काम है, ताकि थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाए आपको। मैं बहुत बेसिक लेवल से करा रहा हूं, शायद आपने पढ़ा भी हो, लेकिन चलो थोड़ा जो है ना वो रिवाइज हो जाएगा आपको। लेजिस्लेचर का सोल पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, रूल मेकिंग, जिन पे मुल्क चलना है, जिन कानून के तहत मुल्क चलना है, वो बनाना किसका काम है? लेजिस्लेचर का। एग्जीक्यूटिव्स का काम क्या है? उसको एग्जीक्यूट करना, इंतजामिया।
आपका वार्डन भी एग्जीक्यूटिव है, रूल लागू कर रहा है, कानून लागू कर रहा है सड़कों पे, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव्स का काम है उस कानून को जो पार्लियामेंट ने बनाया है लागू करना बेसिक लेवल पे आके, और जुडिशरी का काम है उस कानून की तशरीह करना, कुराने पाक की आयात की तफसीर होती है ना, तो उस कानून की तशरीह करना कि ये इस तरह से कानून है। एग्जाम्पल आपके सामने है, कल हुआ आर्टिकल 5 की तशरीह की है उन्होंने, 69 और 69 और 5 की तशरीह की है इन लोगों ने, और उसके तहत जो डिप्टी स्पीकर है उसका जो फैसला है वो कलदम करार दिया, ठीक है। तो अदलिया का काम है तशरीह करना आईन की। हमारे यहां लेजिस्लेचर सड़कें बनवा रही होती है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो है वो रूल्स बना रहे होते हैं बैठ के, और जो अदलिया है वो क्या कहते हैं वो सब कुछ कर रही है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन भी वही कर, अब तो खैर कम हो गया, ये इफ्तिखार चौधरी और ये कौन था डैम वाले बाबा जी कौन थे, साकिब निसार, ये इन दोनों ने बहुत कुछ किया ये, ठीक है, बट ये जुडिशरी का काम नहीं। जुडिशरी बाइज्जत सबसे ज्यादा है, बट द पॉइंट इज कि जुडिशरी जो है उसका काम सिर्फ ये है कि वो कानून की तशरीह कर दे, दैट्स इट, और वही हुआ है कल। सो डिस्पाइट, मैंने खुद पीटीआई को वोट दिया था, बट डिस्पाइट दैट जो तशरी है वो क्वेश्चनेबल नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मुल्क चलना है। पहले 1954 में एक फैसला आया था नजरिया जरूरत, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी उसे कहते थे, उसकी वजह से 50 साल हमारा मुल्क ख्वार हुआ था, वो भी गलत तशरी की गई थी आईन की, 54-55 आई थिंक ऐसे कुछ था, मौलवी तमीजुद्दीन केस, इसमें नोट भी आ जाता कई दफा पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर। तो आईन की तशरी जो है वो आपकी जुडिशरी का, ठीक है। ये सवाल शायद उमर साहब, डॉक्टर उमर साहब ने आपसे किया हो, आई होप किया हो, लेकिन मैं फिर से कर लेता हूँ। किसके पास पावर ज्यादा होनी चाहिए और क्यों होना चाहिए ये भी पता है आपको। अब जो फैसला दे दिया है जुडिशरी ने, फॉर एग्जाम्पल वो गलत होता, क्या जुडिशरी को क्वेश्चन कर सकते थे? नहीं, ठीक है, आप जुडिशरी को क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर वही एमपी एमएनए आएगा आपके पास, जिसने फॉर एग्जांपल आपका एमपी एमएनए लोटा निकला है, फेरोगे ना लितर, वोट नहीं दोगे उसे, हार जाएगा वो। यूसुफ रजा गिलानी वाज़ द फर्स्ट पर्सन जिसने मुल्तान की डेवलपमेंट शुरू करवाई थी। मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, मैं पर्सनली उसको शायद जानता भी नहीं, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, बट ही वाज द वन, जब वो वजीर आजम बना था तो उसने अपने फंड से जो है, क्योंकि मुल्तान से एमएनए की सीट जीता था और हमारे हलके से जीता था वो, उसने ये सारी मुल्तान, ये जिसका माइक ऑन है वो काइंडली माइक ऑफ कर दें, किनका माइक ऑन है, मीर अपना माइक ऑफ करें। उसने मुल्तान में डेवलपमेंट उसने शुरू करवाई थी, ये 9 नंबर वाला पहला उसने पुल बनवाया था, बोसन रोड खुली करवाई थी उसने, छोटे मोटे काम है, कचहरी वाला पुल, मौज दरिया उसने बनवाया था, निश्तर वाला पुल उसने बनवाया था, ये यहां से जो पुल, यार बोलने तो दें क्या हो गया, ये इधर से जो ये एड मोहम्मद वाला भी है, और ये जो राइट से पुल चढ़ता है जो आगे कचहरी के साथ अटैच होता है वो भी उसी ने बनवाया, ठीक है, बट अगले इलेक्शन में हार गया, उससे अगले में तीसरे नंबर पे आया, 73,000 वोट पड़े लेकिन तीसरे नंबर पे, और उसको मैंने लिटरली देखा, उसकी तस्वीरें, वैसे इसी जगह पे जा रहा है जहां पे जाने के लिए पुल भी नहीं है, नहरों और नालों के ऊपर से दरख्त कटे हुए पड़े हैं, उनके ऊपर से पैदल जा रहा है। बट इस लेवल तक आ जाते हैं पॉलिटिशियंस, आप कभी जुडिशरी को ऐसे नहीं देखेंगे, आप कभी एग्जीक्यूटिव्स को भी ऐसे नहीं देखेंगे, बहुत रेयर होता है जो लो एसी लेवल का जो बंदा है ना वो मटियों में ख्वार होता है, क्योंकि उसने रातों को 12 बजे भी छापे मारने होते, उसने सुबह 4 बजे भी छापे मारने होते हैं, बट डीसी खुद इन्वॉल्व हो अलहदा बात है, लेकिन ज्यादातर डीसी तो आते ही 11 बजे और 3 बजे घर खत्म, या इफ्तिताह करने चले गए किसी चीज का, मैक्सिमम ये हो रहा होता है, ठीक। पॉइंट ये है, यू कैन नॉट क्वेश्चन अदर डिपार्टमेंट्स मोर देन द लेजिस्लेचर, इसलिए लेजिस्लेचर के पास पावर से आता है। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो रही है 1935 से, वैसे तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है वो 1857-1858 में सबसे पहले अंग्रेज जो है वो लेके आए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1858, फिर 1862 में लाए, फिर 1892 में लाए, मेरा ख्याल है डेट्स आप कंफर्म कर लीजिएगा। फिर इनकी मिंटो मॉरले रिफॉर्म्स आई 1909 में, फिर मोंटा चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आई 1919 में, और फिर ये 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आए थे। अब पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस हैं वो शुरू में बेस कर रही थी यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे, ठीक है, 1935 के एक्ट पे। उसी में कुछ चेंजेस करके इन्होंने जो है वो मुल्क चलाया था। अब हम लोग इतने सीरियस थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में कि इंडिया ने दो साल बाद 1949 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, और वो आज तक उनका वही चल रहा है। हमने पहला 1956 में बनाया था और तीन दफा बदल चुके हैं बाद में, ठीक है। तो हमारे लिए वो एक वीडियो मुशर्रफ का चल रहा है आजकल, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पीस ऑफ पेपर, उसे उठा के डस्टबिन में फेंक दो। तो हमने लिटरली कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे डील किया। ये बात जहन में रखनी है, कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज सेक्रेड, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सेक्रेड होता है। कुरान पाक भी कॉन्स्टिट्यूशन है ना एक किस्म का, जिंदगी गुजारने के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अंदर। मैं ये नहीं कहता कि सीक्रेट होने का वो लेवल, अल्लाह माफ करे, माज अल्लाह, बट द पॉइंट इज कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज हेल्ड सेक्रेट। कॉन्स्टिट्यूशन नंबर वन पे होगा, आपकी लाइकनेस, आपकी डिसलाइकनेस, इट डजंट मैटर। उसके लिए आपके पास इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस करवा लें, जी जाए ठीक है, हार जाए तो एक्सेप्ट करें, दैट्स इट। पाकिस्तान में तीन कॉन्स्टिट्यूशन आ चुके हैं, पता हो शायद आपको, अब तक नहीं पता तो ईयर्स लिख लो, 56 का, 62 का और 73, 1956, 1962 और 1973। और एक बहुत बड़ी रिफॉर्म हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, ओवरहॉलिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में 2010 में, 18वीं आईनी तरमीम जिसे कहते हैं, 18th अमेंडमेंट अप्रैल 2010 में ही हुई थी। ये चार चीजें कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट में बहुत अहम है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। ये मैं आपको वैसे कल करवाऊंगा, आज मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल डेवलपमेंट का पाकिस्तान में, ना, ठीक है। पॉलिटिकली पाकिस्तान जो है वॉज बेस्ड ऑन रिलीजियस, या यू समझ लें एथनिक पॉलिटिक्स। मुसलमान और हिंदू मुख्तलिफ हैं, जुदा जुदा हैं, दीन मजहब मुख्तलिफ है, हीरोज मुख्तलिफ हैं, रहन सहन मुख्तलिफ है, हालांकि रहन सहन को इतना खास मुख्तलिफ नहीं है, ठीक है, असी भी उन्हें गुनहगार हैं, घाट असी भी नहीं, शायद हम ज्यादा हूँ, बट द पॉइंट इज के हम लोगों ने कहा कि हम लोग दो कौमी नजरिया, ठीक है, तो नेशनल पॉलिटिक्स थी, ठीक है। स्टार्ट कहां से हुआ, नेशनल पॉलिटिक्स से। जब आजादी मिल गई तो समझना है कि अब क्या करें, ठीक है, तो क्या हुआ, रीजनल पॉलिटिक्स के ऊपर, वजीर आला यूनियनिस्ट पार्टी के, इन्होंने इग्नाइट करवाए थे 54 मुसलमानों के और मिर्जाइयों के जो वो हुए थे फसादात, वो इन्होंने इग्नाइट करवाए थे मियां मुमताज दौलताना, क्यों, ताकि सेंटर की गवर्नमेंट वीक हो जाए और मैं गवर्नमेंट में आ जाऊं। तो ये पर्सनल लेवल पे पॉलिटिक्स आ गई थी, ठीक है, इग्नाइट किया गया था पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल लैंडस्केप को, ठीक है। उससे क्या हुआ, उससे नुकसान हुआ, क्योंकि नया कंट्री था, नेसेंट स्टेट थी, इंस्टीट्यूशंस वीक थे, ठीक है, और इस सब की वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। जब पावर होल्डिंग कम हो ना, जब आपके पास ताकत कम हो, जब आप कमजोर हो, तो पावर वैक्यूम प्रोड्यूस होता है, और उस वैक्यूम को, उस वो जो एक तो यूं समझ लें कमी है, उसको पूरा करने के लिए वो इंस्टीट्यूशन आगे आता है जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। आपके घर में, मुझे एग्जांपल ऐसी आ रही है कि फिर
आप लोगों को बुरा लगेगा। अच्छा छोड़े, छिपकली निकल आती है, डर बता देते हैं, छिपकली निकल आती है, बास को डर लगता है, बास को डर नहीं लगता, लेकिन जब खवातीन को डर लगता है जिनको, वो भाई को आवाज देती है फौरन। अगर आपको डर ना लगता हो तो आप उसे फौरन भगा दें वहां से या मार दें, ठीक है, मार भी देती हैं, भगा भी देती हैं, बास ऐसी होती हैं, डरने की वैसे परेशान जरूरत नहीं होती है ऐसी खवातीन। तो बाज ऐसी होती हैं कि वो भाई को बुलाती, क्यों, पावर की कमी है, तो वो पावरफुल जो एंटिटी है उसको बुलाया जाता है, भाई आओ कंट्रोल करो सिचुएशन को। समझ आ गई बात की, बुरा नहीं मानना, ठीक है। तो अब आप वीक हो, पॉलिटिकल एंटिटीज वीक हैं, इंस्टीट्यूशंस वीक हैं, तो जो पावरफुल है उसको बुलाया जाएगा। तो 54 में पहला मार्शल लॉ लाहौर में लगा, उसके बाद 1955 में आर्मी चीफ को वजीर दिफा बना दिया। समझ आ रही है बात की। Eventually 58 में पहला मार्शल लॉ लग गया, 1958 ओवरऑल मार्शल लॉ, पहला लाहौर में लगा था मार्शल लॉ, और ओवर द पूरा होल कंट्री में जो मार्शल लॉ लगा था वो 1958 में लगा था पहला, ठीक है। क्यों, इंस्टीट्यूशंस वीक थे और जो वीक थे उनकी टांगें खींची गई एक दूसरे की, लाइक 1951 से लेके 1958 तक कुछ 7 के 8 प्राइम मिनिस्टर्स आए थे पाकिस्तान के, ख्वाजा नाजमुद्दीन, फिरोज मोहम्मद अली, मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली, फिरोज खान नून, हुसैन शहीद सोहरावर्दी, इब्राहिम इस्माइल चंद्रेगर, 6 तो मुझे याद है, एक आधा और भी होगा, फिरोज खान नून कर लिया, 6 थे मेरा ख्याल, 6 प्राइम मिनिस्टर 8 सालों में आ गए, ठीक है। तो पॉलिटिक्स इंतशार का शिकार, कायदे आजम के बाद उनको रिप्लेस करने वाला वैसा कैरिज्मेटिक लीडर नहीं था हमारे पास, जो एक थोड़ा बहुत था उसको असैसिनेट कर दिया गया, ठीक है, तो पीछे हमारे पास कुछ था नहीं। तो पॉलिटिक्स जो है वो इंतशार का शिकार थी, वो केओस का शिकार थी, समझ आ रही। ऐसे में डिक्टेटरशिप आ गई। अब जब डिक्टेटरशिप आई तो डिक्टेटर, ये बात जहन में रखना कि एनाटोल लेविन की मैं एक सेइंग हमेशा कोट करता होता हूं के वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स, ये मैं ना रात को शेयर भी कर दूंगा ग्रुप के अंदर, मुझे टेक्स्ट कीजिएगा, वन ऑफ द बिगर प्रॉब्लम्स या मेजर प्रॉब्लम्स विद पाकिस्तान इज दैट द डेमोक्रेट्स हैव ट्राइड टू बी डिक्टेटर्स एंड द डिक्टेटर्स हैव ट्राइड टू बी द डेमोक्रेट्स, एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेट्स डिडंट डिवेलप डेमोक्रेसी एंड द डिक्टेटर्स डिडंट डिवेलप द कंट्री। क्या होता है, जब भी कोई डिक्टेटर आता है वो सारे डेमोक्रेट्स को करता है साइड पे, उन पे लगाता है पाबंदियां, पॉलिटिशियंस पे लगाता है पाबंदियां, इलेक्शंस करवा के खुद सदर बन जाता है, कहता है जी मैं इलेक्शन वोटों से आया हूं, क्यों, लेजिटिमेसी नहीं होती, नाजायज हुक्मरान होता है वो, अवाम के वोटों से तो नहीं आया होता ना, ताकत के बलबूते पे आया होता, ठीक है। तो इस तरह के तीनों अदवार जो हैं 58 से 69, 77 से 88 और 99 से 2007, इसमें पॉलिटिशियंस बैक साइड पे होते हैं, उन पे पाबंदियां लग रही होती हैं, उनको सजाएं हो रही होती हैं, ठीक है, बट उसका रिजल्ट निकलता है किसी ना किसी सूरत में। प्रेशर कुकर को बंद रखेंगे, जब खोलेंगे तो उसमें से प्रेशर से ही हवा निकलेगी ना, ठीक है। अब वो क्या होगा रिजल्ट, 58 से 69 का जो मार्शल लॉ था उसका रिजल्ट क्या निकला, नेशनल पॉलिटिक्स फिर से आ गई, बंगालियों ने कहा हमें छोड़ दो, ठीक है, दूसरे कहते रहे कि जी इधर हम उधर तुम, ठीक है, रिजल्ट क्या निकला, फॉल ऑफ ढाका, मुल्क 2 लख हो गया, मैं इसके टर्म यूज करता हूं ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान, वो वाला नहीं जो आप लोगों का होता, ठीक है। जड़ जड़ खेल देवा दे ना। तो फॉल ऑफ ढाका हो गया, ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान हो गया, जस्ट बिकॉज नेशनल पॉलिटिक्स वो डिवीजन आ गई, ठीक है। साथ में क्या था, पॉपुलिज्म, पॉपुलरिज्म या पॉपुलिज्म, ये टर्म डिफरेंट है, लेकिन पॉपुलरिज्म या पॉपुलिज्म, ये 2 डिफरेंट टर्म्स हैं। वैसे पॉपुलरिज्म का मतलब ये है, कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे ज़हन में इसकी डेफिनेशन यही है कि आप अवाम को वही चीज सुनाते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। भुट्टो साहब के बाद इमरान खान वाज द पर्सन जो अवाम को इतनी तादाद में अकेला सड़कों पे लाया था,
ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पॉपुलरिज्म. वो अवाम को वो बातें कहता था, लोड शेडिंग नहीं होती. देयर वाज अ टाइम नवाज शरीफ के स्टार्ट में, देयर वाज अ टाइम, नवाज शरीफ तो 17 में गया ना, तो 14 में इसका लॉन्ग मार्च हुआ था इमरान खान का. तो नवाज शरीफ के स्टार्ट में ऐसे दिन भी होते थे जब पूरा पूरा दिन लाइट नहीं होती थी और बिजली के बिल बहुत ज्यादा आते थे कंपैरेटिवली उस दौर के हिसाब से. ठीक, तो अवाम का दिल करता था बिल जलाने को. उसने जलसे में खड़े होकर बिल जला दी, दैट वाज पॉपुलरिज्म. दिल आज भी करता हमारा बिल जलाने को, शर्मिंदगी की वजह से नहीं जला सकते. ठीक है ना. तो क्या है कि आपका पॉपुलरिज्म तो क्या था कि वो एक वो जो नेशनलिज्म था ना उसको वो पॉपुलरिज्म या पॉपुलरिज्म के अंदर ले आए. ठीक हो गया. ये डिफरेंशिएट आपने वैसे घर जाके करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलरिज्म एंड पॉपुलरिज्म. ये आपकी असाइनमेंट समझ लें, इसे लिख के मुझे चेक भी करवानी है. ठीक है, इस वीक की असाइनमेंट आई है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलरिज्म एंड पॉपुलरिज्म. मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है, हमारे होता था ना यूनिवर्सिटीज में, टीचर को खुद नहीं जो आता था वो असाइनमेंट में मिल जाता था आप लोगों को. ठीक है, तो वो टीचर को असाइनमेंट पढ़ के समझता था चीज है भला है क्या जो मैंने पढ़ाया था. ठीक है, तो ना ये आपने जो है ना लिख के लाना, और विकिपीडिया से कॉपी नहीं करना. हाईली अनरिकमेंडेड है विकिपीडिया, पीडीएफ आर्टिकल से करें. ये मैंने भी असाइनमेंट बनाई थी लेकिन मुझे भूल भुला गई है. ठीक है, खैर 80s में फिर वही मार्शल लॉ. जी जी, क्या कह रहे हैं मीर सर? विकिपीडिया से क्यों ना करें यार, वो एडिटेबल है और उसमें जो अपनी मर्जी का लिखना चाहो वो लिख दो. लिटरली बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रोफाइल में लिखा था ही इज द फर्स्ट डॉटर ऑफ बेनजीर भुट्टो, किसी ने एडिट करके लिख दिया था वहां पे. ठीक है, ये हरकत वहां से नहीं, वहां से कुछ नहीं कॉपी करना. हाँ, लिटरली लिख दिया था किसी ने वहां पे एडिट करके, अल्लाह माफ करे. अच्छा तो क्या है कि 80s के दौरान फिर पाबंदियां, अब 90s के दौरान जो पॉलिटिक्स थी ना वो फिर क्योटिक पॉलिटिक्स थी. मैंने कहता हूं म्यूजिकल चेयर गवर्नमेंट, 2 साल एक गवर्नमेंट, फिर 2 साल एक गवर्नमेंट, फिर 3 साल एक गवर्नमेंट, फिर 2 साल एक गवर्नमेंट, वो म्यूजिकल चेयर गवर्नमेंट्स चल रही. ठीक है, तो क्या था, क्योटिक पॉलिटिक्स थी. पॉलिटिक्स जो है वो क्या कहते हैं बेस कर रही थी क्योस के ऊपर, कि आपने किस तरह से जिसकी गवर्नमेंट है उसकी गवर्नमेंट को टॉपल करवाना है, उसकी गवर्नमेंट गिरवानी है. उसके लिए छांगा मांगा वाला इंसिडेंट करवाया गया, उसके लिए करप्शन वाले केसेस खुलवाए गए, उसके लिए नैब के अंदर सैफुर रहमान जैसे बंदे को बनाया गया उसका हेड नैब का. ठीक, ये सब चीजें जो है ये उसमें. अभी जो करंट हमारा सिनेरियो चल रहा है पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर वो चल रहा है रीजनल अगेन. पार्टीज जो है वो रीजन्स में डिवाइडेड. ठीक है, सिंध में एक पार्टी बैठी है, पंजाब के अंदर 2 पार्टियां बैठी हैं, केपी में 1 पार्टी बैठी है, बलोचिस्तान में 20-25 पार्टियां बैठी हैं. ठीक है, वो रीजनल है, रीजन की बेस पर पॉलिटिक्स हो रही है. ठीक है, ये तो हो गई आपकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट. एक चीज जो है बेसिक आज आपसे डिस्कस करता हूं, पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, ठीक है, उसकी जो बेस आजादी के बाद जिस पर रखी गई है, एक तो है ना 1935 का एक्ट, उसके बाद उसके ऊपर मुल्क चलाया इन्होंने, जिसके ऊपर आजादी, जिन जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करारदादे मकासिद के अंदर. करारदादे मकासिद के अंदर दिए गए हैं वो बेसिक प्रिंसिपल्स. अल मुल्क लिल्लाह, मुल्क अल्लाह का है, हम उसके जो है खलीफा हैं. मुसलमान होगा प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर. अच्छा, इस तरह के ना रूल्स दिए गए हैं बीच में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह का होगा, मुसलमानों को अपनी जिंदगी गुजारने की आजादी होगी, अकलियतों को जी अपने दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की आजादी होगी अपने मजहब के मुताबिक. ये सब कुछ किस चीज में दिया गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर दिया गया. अब अगर हमारा मुल्क जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो उसकी डायरेक्शन सेट हुई थी, वो सेट हुई थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, वो सेट हुई थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में.
कायदे आजम डिडंट वांटेड दिस वे. उनकी 11 अगस्त की जो स्पीच है, जो ज़िया दौर के अंदर जिसको इन्होंने जाया करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी कुछ कॉपी सरवाइव कर गई थी और आजकल आप सुनते भी हैं वो, यू आर फ्री टू गो टू एनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप, द स्टेट हैज नथिंग टू डू विद योर रिलीजन. ठीक है, ये उनका कॉन्सेप्ट था. हमारे यहां दफातर के अंदर, हम अक्सर दफातर में नहीं होता लेकिन कुछ दफातर में बाकायदा कहा जाता है कि जी नमाज पढ़वाई जाती है. ठीक है, चलें इस चीज को भी छोड़ दें, ये तो फर्ज है. रमजान है तो ये छापे मारे जाते हैं रमजान एक्ट के तहत जहां पे लोग खाना खा रहे होते हैं. ये आपने नोटिस किया होगा, तरपालें लगी होती हैं आगे, पीछे बैठ के लोग खाना खा रहे थे. तो अब तो कम हो गया लेकिन पहले बहुत छापे मारे जाते थे. पहली बात तो ये कि आप लोगों का रोजा इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि आप किसी को खाना खाते हुए देख के आपका दिल ललचा जाए. सबसे पहली बात ये, नंबर एक. नंबर दो, इस्लाम इतना सख्त नहीं है क्योंकि इस्लाम ने इजाजत दी है कि अगर आप बीमार हैं, अगर आप सफर में हैं, इफ द वुमेन इज प्रेग्नेंट, तो आप रोजा जो है वो छोड़ सकते हैं और उसको आप बाद में रख सकते हैं. तो जो रोजा छोड़ रहा है जाहिरी सी बात है वो कहीं से तो खाना खाएगा ना. ठीक है, तो आप उस चीज को बंद नहीं कर सकते. मजहब मुश्किल नहीं है, मजहब पे चलना मुश्किल बना दिया गया. ठीक है, आई वॉज मैं किसी को पर्सनली हिट नहीं कर रहा, बट आई वॉज वॉचिंग अ वीडियो एक आलिम की जिसमें बता रहे थे कि रोजा किन 47 हालतों में रोजा टूट जाता है. एंड आई वॉज लाइक फिर तो हमारा तो कोई रोजा ही नहीं बचा आज तक. रोजा टूट जाता है 47. मैं अगेन किसी को हिट नहीं कर रहा लेकिन गुजारिश ये है कि मजहब को इतना मुश्किल ना बनाए कि उस पर लोग चलना ही छोड़ दें. दीन मजहब, दीन मुश्किल नहीं है, दीन मुश्किल नहीं है, दीन बहुत आसान. ठीक है, उस पर चलना मुश्किल ना बनाए, सिंपल. अब बात यह है कि जो स्टेट है उसको मजहब की तरफ कर दिया गया, फिर क्या हुआ इवेंचुअली, कॉन्स्टिट्यूशन ग्रेजुअली रिलीजियस, ठीक है, बन गई, एक्सेप्ट हो गया. क्यों शिद्दत पसंदी की तरफ गई, सवाल ये पैदा होता है. ठीक है, शिद्दत पसंदी की तरफ क्यों गई, मजहबी शिद्दत पसंदी की तरफ क्यों गई, क्यों मजहबी शिद्दत पसंद जो है वो हमारी स्टेट का एसेट कहलाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि वही लोग जो शिद्दत से कायदे आजम के खिलाफ थे वो उलमाए कराम, उनको कौमी धारे में शामिल किया गया बाद में, और उन्हीं के प्रेशर में आके ग्रेजुअली स्टेट को जो है वो रिलीजियस किया गया, ज्यादा से ज्यादा रिलीजियस किया गया चीजों को. फिर 80s के अंदर रिलीजन को इस्तेमाल किया गया एज अ वेपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. रिलीजन पहले वेपनाइज नहीं था, रिलीजन वेपनाइज किया गया है 1980s के अंदर, जब एक स्पेसिफिक फिरके को, दो स्पेसिफिक फिरके टू बी मोर प्रिसाइज, उनको बाकी फिरकों के ऊपर तरजीह दी गई. क्यों? अफगान जिहाद के लिए लोगों को तैयार करने के. उन फिरकों ने मदारिस खोले, 1980 से पहले पाकिस्तान में टोटल 350 मदारिस थे, 1980 के बाद कितने मदारिस हो गए पाकिस्तान में, 40,000. मैं उन्हीं में से एक से ताल्लुक रख लूं. देवबंदी और अहले हदीस, बिकॉज सऊदीया कतर वाले अहले हदीस है ना सारे, तो फंडिंग उन्हीं उन्हीं मदारिस को आती थी. और देवबंदी जो मेरा ख्याल है, गलत भी हो सकता है, मेथोडोलॉजी में जो है ना वो लोग थोड़े करीब हैं अहले हदीस से, देवबंदी जो है. ठीक है, तो वो हल थोड़ी सी रिजेम्बलेंस है, इन अ सेंस हैं तो एंटायरली डिफरेंट ही, बट थोड़ी सी रिजेम्बलेंस है. सो दे यूज दैट. अब होता क्या था, उन मदारिस को जिहादी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता, तो दीन वेपनाइज किया गया ना,
लोगों को बताया गया जी आपका बच्चा जिहाद की ट्रेनिंग ले रहा है, जिहाद के पैसे कहां से आ रहे थे? अमेरिका से। अमेरिका ने इस्लाम कबूल कर लिया था? नहीं। जिहादी ट्रेनिंग की किताबें कहां से छपके आ रही थी? टेक्सास यूएसए से। मुजाहिद टैंक पे चढ़ा, उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, टैंक फट गया। अब ये लिटरली किताबों में लिखा होता था, मुजजात, ठीक है। और किताब कहां से छप रही है? टेक्सास यूएसए से। उन्होंने उधरों उधरों बैठ के मौजा किस तरह देख लिया, मुझे ये समझ नहीं आई आज तक, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि मजहब को वेपनाइज किया गया पर्सनल गेन के लिए, और हम आज भी उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं। उस चीज का समर हमें सबसे पहले मिला शिया सुन्नी फसाद में, उसके बाद मजहब के पर्सनल गेन्स के इस्तेमाल के लिए, फिर पॉलिटिकल पार्टीज जो पहले ही एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन वो इतनी पावरफुल नहीं थी, मजहब को जब वेपनाइज कर दिया इन लोगों ने, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज, उनका एक नया डॉन हुआ, DAWN डॉन, ठीक है। एंड दे यूज्ड, देखें आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के ऊपर, उसकी बेस पे, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन या प्रिंसिपल मेकिंग की बेस पे नहीं आती ऊपर, ठीक है। ऑल दो जमायत इस्लामी में किसी हद तक है वो, कि उनका अमीर जो है वो कभी भी किसी अमीर का बेटा नहीं होता, उनका जो जमायत इस्लामी का अमीर होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा नहीं है, और रिलीजियस पार्टी में तो बिल्कुल भी नहीं। एंड रिलीजियस पार्टीज यूज रिलीजन टू गेट वोट। मजहब इतनी गई, दीन इतनी गई गुजरी चीज नहीं है कि आप उसको अपने दो दो एक एक इंसान से वोट मांगते फिरें, कि आप दीवारों पे लिखवाएं कि जमीयत उलमा इस्लाम का वो के लिए वोट जन्नत की जमानत, ये दीवारों पे लिखा हुआ था लिटरली, ठीक है। दिस इज रॉन्ग यूजेज ऑफ रिलीजन, ऑफ दीन, ठीक है। दीन का यूजेज पॉलिटिक्स के अंदर आया। अब यहां पे दोनों चीजें मर्ज हो गई, आपने स्टेट को रिलीजियस किया, हो गई, ठीक है, एक्सेप्टेबल बात है। प्रॉब्लम क्या हुई, रफ्ता रफ्ता पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो रिलीजियस होती गई। अभी कल ये फवाद चौधरी का ट्वीट आया हुआ था, शहीदों वाला और पता नहीं केड़ा वाला, अब वो मजहब की तरफ चल पड़े हैं, ठीक है, ठीक है। तो बात क्या है, बात ये है कि जो रिलीजियस करने की एक कोशिश थी स्टेट को, उसने पॉलिटिक्स में भी रोल प्ले किया, एंड नाउ इट इज प्लेइंग विद द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, ठीक है। आपने जब उलमा काउंसिल बना दिया तो अब वो स्टेट का एक पूरा इंस्टीट्यूशन हो गया उसके लिए, अब हुक्मरानों को उसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है मजहब के लिए ऑलरेडी, वो डिसाइड करे। ऑल्दो वो भी डिसाइड ऐसे कर रहे हैं, हल्का फुल्का तशद्दुद जायज है, आई वॉज लाइक व्हाट द हेल मैन, खबर बीवियों पे हल्का बुल्का तशद्दुद जायज है, उनकी तरफ से आया था, आई वाज लाइक बट हम तो खैर हल्का बुल्का तो करते ही नहीं, हम है सीधा हड्डियां तोड़ देते हैं, मर्दानगी की निशानी है। ये हदीस सुना दूं, मजहब में ये है कि अगर आप मारें तो निशान ना पड़े। अब ऐसी कौन सी मार है जिसका निशान नहीं पड़ता? आप किसी को यूं गाल दबाएं तो निशान पड़ जाता है, ठीक है। इट मींस के नहीं कर सकते, तुम में से हर एक गलावान है और हर एक अपने गले के बारे में जवाब दे है। गलावान मतलब हर एक की फैमिली है और हर एक अपनी फैमिली के बारे में जवाब दे है। कैसा सलूक किया था, मारा था, क्यों मारा था, खाने को दिया था, ये भी जहन में रख लो। सिर्फ एक दर्जा बर्तरी है, क्यों, क्योंकि कमा के लाते हो, अगर कमा के नहीं लाते तो बर्तरी खत्म। कवाम हो, कवाम का मतलब है कमा के लाने वाला, देखभाल करने वाला, जिसकी वजह से औरत को बाहर ना जाना पड़े। इफ ही इज नॉट डूइंग दैट, ही इज नॉट अ कवाम, फिर बर्तरी खत्म, ठीक है। ये भी याद रखना, पसली से हैं, तुम सब लोगों को बता रहा हूं स्पेसिफिकली, पसली से हैं, ना पैर से हैं ना सर से हैं। शादी से पहले सर पे बिठाया होता, शादी के बाद जूती के नीचे रखा होता, आजकल सबने सर पे ही बिठाया हुआ होगा ना। सर आप हमारे दरमियान लड़ाई करवा रहे हैं, तुम अपने आप से लड़ लो, टकराए मारो जाके दीवार में। अच्छा, तो
पॉइंट इज, बात कहां से कहां निकल गई, तो पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है और आज का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, दोनों में मजहब का बहुत रोल है। सबसे पहले कोई कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के अंदर काम करने लगते हैं तो पहले देखते हैं कि मजहब से तो नहीं मुतजाद, ठीक है, तो ये चीज पहले देखी जाती है। उसके बाद फिर सोसाइटी आती है, उसके बाद फिर जरूरत आती है, ठीक है। अब हुदूद ऑर्डिनेंस एक 1981 का, आपने बड़ा सुना होगा उसके बारे में, चार गवाह लाना लाजिम है। मजहब में नहीं है, मजहब में यह है कि चार दफा गवाही दे दे मस्जिद में जाके, गवाही कबूल हो जाती है। हम कहते हैं जी नहीं, चार गवाह है, अल्लाह माफ करे किसी के साथ रेप हो रहा हो, चार गवाह रखेगा पहले साथ कि पहले देख लो भाई मेरे साथ रेप हो रहा, नहीं, कोई नहीं रखेगा। सो ये चीजें देखी जाती हैं, और मैं ये भी कहता हूं कि देखी जानी चाहिए, मैं नहीं कहता, ठीक है, ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में अपना रोल जो है वो प्ले करती हैं। कल जो है मैं आपको तीन कॉन्स्टिट्यूशन और एक 18वीं तरमीम जो है वो मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह। कोई सवाल है तो पूछो मुझसे, धक्के वक्के बैठे हो या रोजा लगा हुआ, क्या चीज पढ़े, क्या आसान, ये जो आपने कहा कि गवाह चाहिए, चार गवाह चाहिए, ये हदूद ऑर्डिनेंस में था, ये हदूद ऑर्डिनेंस आया था 1980s में, तो हदूद ऑर्डिनेंस के अंदर ये शर्त दी गई थी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम सर, मेरा सवाल ये है कि हम अपनी पॉलिटिक्स में या कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो रिलीजियस या दीन का जो असर है या इन्फ्लुएंस है, ये कम कैसे कर सकते हैं, या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सवाल ये है कि जी दीन का इन्फ्लुएंस कैसे कम किया जा सकता है इसके अंदर पॉलिटिक्स या कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात तो ये कि देयर इज नो गोइंग बैक, आपने शुरू से ही स्टेट को रिलीजियस कर दिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को रिलीजियस, आपके जितने कॉन्स्टिट्यूशन आ रहे हैं उसका प्रीफेस जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होती है और वो सारा दीन है, ठीक है, सो यू कांट लेट इट आउट। हाँ, आप लोगों को तालीम दें, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो जो यहूदियों के उलमा करते थे ना, दीन को अपने मकसद के मुताबिक मोल्ड कर लेते थे, हमारे यहाँ उलमा इकराम वही कुछ करते हैं, दीन को अपने मकसद के मुताबिक उसकी तशरीह करते हैं। वो एक किसी ने वाक्या सुनाया कि एक बंदी थी, उसके ना शौहर की वफात हो गई, तो उसने शौहर ने ना सब कुछ अपनी बच्चों के नाम लगाया हुआ था। अब वो गई क्या कहते हैं इधर आलिम के पास, के ये असल वाक्या, आलिम के पास गई कि मुझे बताएं मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो उसने कहा वो आयत है ना, अब वो आयत क्या है असल में, वो सूरह अहज़ाब की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मा काना मुहम्मदिन अबाहुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें से किसी मर्द के बाप नहीं है। तो उसने कहा देखो लिखा है ना माँ का ना, सब कुछ माँ का है, गेट द पॉइंट, उन्होंने ये तशरीह कर दी उसकी, सब कुछ माँ का है, देखो माँ का ना लिखा हुआ ना, तो सब कुछ माँ का है। दिस इज हाउ वी मोल्ड रिलीजन फॉर आर ओन परस्पेक्टिव, फॉर आर ओन गेन्स। सर ये तो इस तरह का एक वो है स्टैंड पॉइंट कि इसके ऊपर तो हम बहुत ज्यादा जो है वो वायलेंट हो जाते हैं, वो सेंसेशनल वायलेंट वायलेंट। उसमें ये है कि ना प्रॉब्लम कहां आती है, इंप्लीमेंटेशन नहीं है, लोगों का एतमाद नहीं है सिस्टम पे, ये ओवरऑल बात है। जब एतमाद नहीं होता ना सिस्टम पे, तभी वो कानून को अपने हाथ में लेते हैं। लोगों का जब एतबार नहीं होता सिस्टम के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। जब लोग देखते हैं कि लोग करप्शन करने के बावजूद, वो कल मीम चल रहा था प्लेटलेट बॉय जो है उसके प्लेटलेट बढ़ने शुरू हो गए, ठीक है, क्या है, इफ समबडी इज गिल्टी ऑफ समथिंग ही इज नॉट going to be punished, लोगों का एतबार उड़ जाता सिस्टम से। सर ऐसा है कि हाथ में लेते हैं दौर में भी, सुन लेना सुन ले, मैं बताता हूँ एक मिनट, फिर मैं आपकी बात भी सुनता हूँ, ठीक है जी। तो यही चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है, उन्हें लगता है कि यार इसको सजा नहीं मिलेगी, या इवन वो सच्चा भी साबित हो जाए लोग उसकी सच्चाई पे यकीन करने को तैयार नहीं होते, क्यों, तो फलाने बंदे ने कह दिया तो उसने की होगी। दीन की सही तालीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की सही तालीम नहीं है। आई बेट आप में से जितने लोग हैं ये सिर्फ इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, वो भी चंद जो मैं पॉइंट जो आर्टिकल्स मैं आपको बता दूंगा, क्यों, क्योंकि पेपर में ना आ जाए,
वरना आप में से किसी को तौफीक नहीं होगी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की। मुझे खुद एफपीओई में जाके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की पूरा पढ़ने की तौफीक हुई है। मैंने भी आप वाले पॉइंट्स ही पढ़े थे सिर्फ। कॉन्स्टिट्यूशन पूरा जो है हमने खरीदा भी है, फिर जब मेरा फाइनल पासिंग आउट एग्जाम हुआ तो पेपर था 100 नंबर का, ठीक है, तो वो करके जी एलोकेशन के बाद भी पेपर देने पड़ते हैं, अच्छा वो भी 800 नंबरों के, और 8 दिन मुसलसल छुट्टी भी कोई नहीं होती, ठीक है, संडे के दिन भी पेपर होता है, और तकरीबन 20,000 की किताबें लेनी पड़ती हैं, इतनी सारी। सो पिक्चर भी शेयर कर दूंगा आज ग्रुप के अंदर, ठीक है। सो क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाए, दीन पढ़ाए, और सही दीन अपने बच्चों को, स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है हर काम की, हमारे यहाँ समझा जाता है मोरालिटी डेवलप करना स्टेट की जिम्मेदारी, मोरालिटी डेवलप करना स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है, मोरालिटी डेवलप करना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, मोरालिटी डेवलप करना टीचर्स की जिम्मेदारी है, सोसाइटी की जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ पीयर प्रेशर की वजह से तो आधी करप्शन हो रही होती है। पीयर प्रेशर क्या है, यार मेरे नाल वाला बंदा जो है वो पराठों पे घूम रहा है, मैं क्यों नहीं पराठों पे घूम रहा, मैं भी रिश्वत लूंगा, ठीक है। बीवी बच्चे क्या देते हैं, वो देखो उसके बीवी बच्चे कितने वो हंसी खुशी रहते हैं, कितना खर्चा खुर्चा करते हैं, तुम तो करते नहीं हमारे पे, चलो करप्शन करो, ठीक है। दिस इज द पॉइंट, आप मोरालिटी डेवलप करते हैं। हदीसे मुबारका का मफहूम है, एक बद्दू आया, उसने मस्जिद नबवी में यूरिनेट किया, सहाबा इकराम उसे मारने को दौड़े, रसूल सल्लम ने रोका और कहा कि नहीं, इस पे पानी बहा दो, वो बेवकूफ है उसे नहीं पता। हमारे यहां ऐसा बंदा होता तो अगले दिन यही खबर आती कि जिंदा जला दिया गया। आई एम वेरी सॉरी टू से, यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग नामूसे रिसालत, यू आर कॉजिंग पीपल टू हेट आवर रिलीजन, आई एम वेरी सॉरी टू से। वो जिनके लिए रहमतुल्लिल आलमीन का लकब इस्तेमाल हुआ, वो जिंदा जलाएंगे किसी को? उन्होंने आज तक किसी को जिंदा नहीं जलाया, ठीक है, ये बात जहन में रखनी है हमेशा। 10 लोगों के कत्ल के अहकामात हुए थे, ये आखिरी बात है, ये करके आप लोगों को मैं छुट्टी दे रहा हूं। 10 लोगों के कत्ल के अहकामात हुए थे फतेह मक्का के मौके पे, कि ये लोग अगर काबा के पर्दे से भी चिमड़े हुए मिले तो इनकी गर्दन उड़ा दी जाए। सिर्फ 4 को कत्ल किया गया था, उनमें से 6 मुसलमान हो गए थे बाद में। उनमें एक बंदा था जिसका मैं नाम लूंगा और आप परेशान हो जाएंगे, और वो सहाबी रसूल बने, उनका नाम था हजरत अकरमा इब्ने अबी जहल, वालिद का नाम से समझ आ रही होगी कौन थे वो, अकरमा इब्ने अबी जहल। फरार हो गए मक्का मुकरमा से, बीवी पीछे गई बुला के, बीवी पहले रसूल सल्लम के पास गई, माफी मांगी, उनकी अमान चाही जान की, रसूल सल्लम ने माफ किया, जान की अमान दी, वहां गई शौहर को वापस लेके आई, शौहर मुसलमान हुआ। जंगे यमामा के अंदर पहला फितना जो था मसीलमा कजाब वाला, जंगे यमामा के अंदर हजरत खालिद बिन वलीद को कहते हैं कि तुमने पहले इस्लाम कबूल करके सारी नेमतें समेट ली, अब हमारी बारी है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सके। सहाबी रसूल बने, दिस इज द मेथड, ये मेथड नहीं है जिंदा जला दें फौरन पकड़ गए, दिस इज। तो ठीक है, मैंने कहा 4 नहीं, अब तुम तो यही देखो कत्ल करने का बहाना मिला तुम्हें, है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो 3 लोग ऐसे भी थे, वो था ना, सुन तो लो ना, तुम लोग तो कत्ल करने का बहाना चाहते हो सिर्फ। मेथोडोलॉजी क्या है, ज्यादा लोगों को माफ किया था, तो अच्छा जो श्रीलंकन है उसने बार बार जुर्म का अपना अयादा किया था, जो श्रीलंकन मारा था, मैं लिटरली बता रहा हूँ। अच्छा एक मिनट, वो जो बाचा खान यूनिवर्सिटी में लड़का मारा गया था मिशाल, उसने बार बार अपना जुर्म किया था, ये अब एक्सेप्शनल पे आ जाओगे, नहीं चाह बहस ना करो, ये एक्सेप्शनल नहीं है, नहीं, मैं नहीं देख रहा, मैं ये बात करूं, मैं आज के दौर में जिंदा हूं, नहीं देखो, नहीं तो उसका मतलब ये ठीक है, नहीं तो इसका मतलब ये ठीक है, जवाब तो नहीं है, ये गलत है। मिशाल खान को जब उसके कातिल रिहा, मैं कातिल ही कहूंगा उन्हें, वो कातिल हैं, उनकी सजा मौत है,
वो जब रिहा हुए हैं जाके जमायत इस्लामी वालों ने इस्तकबाल किया उनका. दिस इज नॉट हाउ रिलीजन गिव्स के आप एक शख्स को कत्ल किया जाए गलत इल्जाम के ऊपर, और ये प्रूव हो चुका है कि वो क्लर्कों ने बचने के लिए उस पर गलत इल्जाम लगाया था. ठीक है, आप उसको कत्ल कर दें और कहें हमें जायज था. नो, रिलीजन आपको इस चीज की इजाजत नहीं देता. और जिस बेस पे रसूल सल्लम ने कहा था कि कत्ल कर दें, ही वॉज द लीडर ऑफ द स्टेट, ही डिडंट डू इट. हजरत अली के मुंह पे थूका था ना एक बंदे ने, हट गए थे ना पीछे, क्योंकि अब मैं दीन के लिए नहीं कत्ल कर रहा, अब मैं अपने लिए कत्ल कर रहा हूं. जात के लिए अलाउ नहीं किया था, देयर इज अ डिफरेंस. ही वॉज द लीडर ऑफ द स्टेट है, स्टेट उसको कत्ल कर सकती है. नहीं, ठीक है, स्टेट कत्ल कर सकती है उसे, ये बात ज़हन में रखना. रसूल सल्लम वाज़ द स्टेट, ही डिडंट किल इट. के यू आर टॉकिंग हियर लाइक के वो आम ने जो कुछ किया वो ठीक किया था, किसी से भी पूछ लें यहाँ पे. तो फिर बोलना क्यों शुरू हुए हो? मैंने बात ही ये की है, मैंने ये बात की है. ये देखो बहस कर रहा आगे से. मैंने नहीं 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 शाह, मैंने क्या कहा है? मैंने मेरी बात भी पूरी नहीं होने दी. मैंने क्या कहा है कि स्टेट कर सकती है कत्ल. कब की है? फिर बहस क्यों कर रहे हो? बात ही खत्म हो गई. तो आप स्टेट को मजबूर करें ना, आप स्टेट को मजबूर नहीं तो अलाउ तो नहीं है, तो ये जायज तो नहीं है यार. कसम से ना, ऐसे लोग होते हैं, ये इसने किसी ने मुझे मार देना, इसलिए मुझे कभी भी खतरा लगता है इससे, मुझे जला देगा ये. हमने चार पांच दोस्तों के साथ मिलके, नहीं मुझे शक है इस पे, पक्का खबर आएगी एक दिन, और ये फिर नारे लगाता हुआ बाहर निकलेगा, मशहूर तरीन बन जाएगा गाजी इस्लाम, माशाल्लाह इसकी तस्वीरें आएंगी फिर टीवी के अंदर. इसका इस्तकबाल कौन करेगा सर? इसका इस्तकबाल करने वाले लाखों मौजूद है यहाँ पे. अच्छा, पॉइंट यही है कि स्टेट ने नहीं किया, आप स्टेट को मजबूर करें. अवाम के पास एक, आप अगली दफा उन लोगों को सेलेक्ट ना करें. ठीक है, आप जो है, आपके पास वोट का हक है, आपके पास जमहूरी एहतजाज का हक है, आपके पास बायकॉट करने का हक है, आपके पास उसके खिलाफ वोकली रेजिस्ट करने का हक है. आप करें, स्टेट को मजबूर करें, स्टेट को मजबूर करें कि आप अदालत में गए नहीं है, फिर अब बहाल हुई है ना असेंबलियां, किसी लेवल तक तो है ना. सो यू हैव टू गो बाय द स्टेट, दैट्स द ओनली वे. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने यही कहा है कि उस शख्स की सजा है, सजाए मौत है, 295 सी में लिखा हुआ है, लेकिन स्टेट देगी. कोई बंदा देता है तो वो कातिल है और उसकी सजा भी मौत है. ठीक है, चले आज का लेक्चर यहीं तक. शहाब साहब, शहाब भाई,